अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को फोन किया है और ट्रंप ने जेलेंस्की को भरोसा दिलाया कि वो चुनाव जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो युद्ध रुकवा देंगे। लेकिन जेलेंस्की इस बात से डरे हुए हैं कि ट्रंप किन शर्तों पर युद्ध का एंड करवाएंगे। दरअसल इसकी वजह है ट्रंप का पुतिन को लेकर नरम रुख। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए पुतिन को कैसे मिली ट्रंप पावर। आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बढ़ रही है जेलेंस्की की धड़कन। पुतिन को मिलेगी व्हाइट मैन पावर। यूक्रेन को युद्ध में सरेंडर करना होगा। नाटो की नाकाबंदी करेंगे ट्रंप। यूक्रेन रूस युद्ध का रुख मोड़ने का दम डोनाल्ड ट्रंप ने भरा हुआ है। ट्रंप ने दावा किया है कि उनके राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटे के भीतर यह युद्ध खत्म हो जाएगा। ट्रंप को यकीन है कि पुतिन उनके एक इशारे पर वॉर का द एंड कर देंगे। लेकिन ये जंग खत्म किस शर्त पर होगी? क्या जेलेंस्की झुकने को तैयार होंगे? क्या पुतिन ट्रंप के फॉर्मूले को मानेंगे? जेलेंस्की की उधेड़ बुन क्या है? डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्त कॉन्फिडेंस में है। ट्रंप पर हुए हमले के बाद अमेरिका में उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ आसमान छू रहा है, इसलिए वो दनादन बयान दे रहे हैं। Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. Quickly. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order, and it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along with very well with them. ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए गोलियां खाई हैं। वो तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया को बचाएंगे भी, लेकिन कैसे? क्या है ट्रंप का प्लान? रूस यूक्रेन युद्ध में जो हो रहा है उससे तो नहीं लगता कि पुतिन समझौते को तैयार होंगे। रूस की सेना वॉर जोन में जोरदार हमले झेल रही है। रूस कई दिनों से बैकफुट पर है। हुरा! यूक्रेन ने पुतिन के ड्रोन जत्थे के उड़ाए चीथड़े। वॉर जोन में दफन हुए रूस के अटैक हेलीकॉप्टर। मिसाइल प्रहार से धुआं धुआं पुतिन की टैंक बटालियन। फोर्स को दौड़ाकर पीट रही है जेलेंस्की आर्मी। भीषण युद्ध चल रहा है। हर पल पलड़ा बदल रहा है। कभी रूस तो कभी यूक्रेन हावी नजर आ रहा है। हाल के कुछ दिनों से यूक्रेन फोर्सेस की बढ़त साफ दिख रही है। यूक्रेन ने जब से रूस में घुसकर अटैक शुरू किया है, पुतिन आर्मी को संभालने का मौका नहीं मिल रहा है। ओडेशा में यूक्रेन ने अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट का पावर शो भी दिखा दिया है। रूस की मीडिया और यूक्रेन के सोशल मीडिया में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने 4 F-16 लड़ाकू विमानों को ओडेशा में एक्शन में देखा है।
बताया ये भी गया कि ये फाइटर जेट रोमानिया के हवाई क्षेत्र से उड़ान भरकर वॉर जोन में तहलका मचाने पहुंचे। अभी इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन F-16 के जंगी अखाड़े में आने के मायने रूस के लिए विनाशकारी है, क्योंकि F-16 जंगी जेट सुपर पावर का अजेय लड़ाका है और पूरी दुनिया में विध्वंसक हमले के लिए कुख्यात है। F-16 के हमले शुरू हुए तो रूस का हौसला पस्त होना तय है। पहले ही रूस हाईटेक वॉर में यूक्रेन से मात खा रहा है। जुलाई की सुबह यूक्रेन फोर्स ने दावा किया कि कीव पर हमला करने आए रूस के सभी कामिकाजे ड्रोन को मार गिराया गया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर 2 हफ्ते में यह दूसरा ड्रोन अटैक हुआ, जिसमें 5 फाइटर ड्रोन इस्तेमाल किए गए। रूस के ड्रोन अटैक में कीव में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। रूस के ड्रोन को यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम ने कीव की सीमा में घुसने से पहले ही मार गिराया है। ड्रोन अटैक की कोशिश के बाद से यूक्रेन फोर्सेस कीव की सुरक्षा के लिए नई रणनीति पर काम शुरू कर चुके हैं। रूस के ड्रोन मार खा रहे हैं, आसमानी अखाड़े में भी रूस को झटके लग रहे हैं। यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से पुतिन आर्मी को दहला रहा है। अगर F-16 जेट से हमले शुरू हुए तो रूस की सेना का क्या होगा, इसे समझना मुश्किल नहीं। लेकिन किसी भी हाल में रूस ये जंग नवंबर तक जारी रखेगा। नवंबर महीने में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव है। फिलहाल प्रेसिडेंट की रेस में डोनाल्ड ट्रंप अजीय बढ़त हासिल करते दिख रहे हैं। ट्रंप और पुतिन की यारी गाढ़ी है। ऐसे में ट्रंप के जीतने के बाद युद्ध में अमेरिका का रुख बदलना तय है। राष्ट्रपति की रेस में ट्रंप कितने आगे चल रहे हैं, पहले इसे जानिए। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से 109 दिन पहले ही रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप बाजी मारते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने मिलवॉकी में गुरुवार रात कन्वेंशन में कार्यकर्ताओं के उत्साह के बीच टिकट पाया। शुक्रवार सुबह ट्रंप कैंप के लिए एक और खुशखबरी आई। रियल क्लियर पॉलिटिक्स के पोल के मुताबिक ट्रंप ने 7 बड़े राज्यों में बाइडन पर 57% वोटों की बड़ी बढ़त बना ली है। बाइडन 20% वोट हासिल कर पाए हैं। पोल के बाद संभावना जताई जा रही है कि ट्रंप 1980 में रिपब्लिकन रोनाल्ड रीगन की 44 राज्यों में जीत के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। इस बीच सूत्रों के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बाइडन की कमजोर पड़ती दावेदारी को देखकर राष्ट्रपति पद के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति के लिए संभावितों के रूप में सीनेटर मार्क केली, गवर्नर एंटी बैशियर और रॉय कपूर का नाम शॉर्ट लिस्ट किया है। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के टिकट के और करीब हो गई है। पार्टी में उनके मुकाबलेदार काफी पीछे हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार राष्ट्रपति बाइडन अब भी अपनी दावेदारी पर अड़े हैं। बाइडन के रुख से डेमोक्रेट को अच्छा खासा नुकसान भी झेलना पड़ रहा है, जिससे ट्रंप की जीत की राह आसान बनती जा रही है। अमेरिका में ट्रंप की वापसी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को डरा रही है। वजह है ट्रंप का पुतिन को लेकर नरम रुख। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद भी ट्रंप ने अक्सर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ की है। पुतिन और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द, बने रहिए आप।